अपने जो मूलनिवासी बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनके आचरण को अपने जीवन में उतारते हुए जीवन जीना चाहिए। हमारे महापुरुषों का जो सोच था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, वह एक कल्याणकारी सोच था और इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए वही एक चीज है जो एक भाईचारा, स्वतंत्रता, बंधुत्व इस देश में स्थापित करेगा। और ऐसा अगर हो पाएगा तो इस स्थिति में अगर हम जिएंगे तो एक मानवीय मूल्य जो होता है उसका भी हम अनुभव करेंगे, और जो अधिकार होता है मानव का वह अधिकार भी हमें मिल पाएगा। इसलिए हम ऐसा चाहेंगे कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित हो और ऐसे माहौल में हम जिए। और इसके लिए हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम जो है सो कि अपने घर परिवार समाज से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आचरण खुद को करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो इसी में हमारी भलाई है। जैसे हम अगर परिवार में हैं तो परिवार में ही हमारे जो बाल बच्चे हैं उसको जो लोकतांत्रिक ढंग से अधिकार चाहिए, जो हमारे घर के फैमिली हैं जो उसको लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए, उसमें उसको उसका शेयर होना चाहिए, समता होना चाहिए, आस पड़ोस में बंधुत्व भाईचारा स्थापित होना चाहिए। ऐसा हमारा व्यवहार रहेगा। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इसमें हमारी भी भलाई है और इस देश का, समाज का भी भलाई है। और ऐसा जीवन जीने में आनंद है, और यह आनंदमय जीवन जीने के लिए जो हमारा संगठन बामसिप ने व्यवस्था किया है, जिस पर यह संगठन कार्यरत है कि इस देश में फूले अंबेडकरी विचारधारा स्थापित हो, गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म हो, तो उसमें हम भी अपने जीवन को इस संगठन में उतारना चाहते हैं। और संगठन एक यदि मशीन है तो उस मशीन को, उस मशीन के एक पार्ट्स के रूप में मैं अपना जीवन को उतारना चाहता हूँ। ऐसे ही जीवन मैं जीना चाहता हूँ। और हम सब को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए या इसमें लगना चाहिए कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को, हर मूल निवासी को जो अभी मानवीय मूल प्राप्त नहीं हो सका, जो हक और अधिकार प्राप्त नहीं हो सका, वह हक और अधिकार संविधान के माध्यम से हम लें। और संविधान में जो हमारे हक और अधिकार लेने का माध्यम डाला गया है, उसके माध्यम से हम इस देश में अपना हक और अधिकार प्राप्त करें। और ऐसा एक तंत्र स्थापित करें जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, सभी तरह का हक और अधिकार अगर हमें मिलता है तो इसमें आनंद होता है और ऐसे जीवन
जीने के लिए हम प्रयास करेंगे और संवैधानिक तौर पर जो हमारी संगठन का लड़ाई है उसमें भी हम शामिल रहना चाहते हैं।